देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजय सिंह को बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आम आदमी पार्टी कई तरीके के एलिगेशन लगा रही है भाजपा पे। आतिशी जी ने आज एलिगेशन लगाया है ये कहकर कि उनको ये बोला गया है कि या तो भाजपा ज्वाइन करो या तो जेल जाओ। उन्होंने बोला है हमारे यहाँ आतिशी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, समझे ना। तो ये उन्होंने क्यों कहा, किसने उसको कहा, ये तो कई चीजें, वो युवा नेता उन्होंने भी कह दिया कि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा है कि इस बारी 400 पार के बाद हम संविधान को नष्ट कर देंगे। अरे किसी ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाके आतिशी जी से मिलकर कहे, एक ऐसे समय जब शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, तो हम इस समय उनको अपने यहां लेके हमने क्या अपने लिए सिरदर्दी क्रिएट करनी है।